सभी का स्वागत है राजधानी फैमिली के इस YouTube चैनल पर। आज हम आप लोगों को जो आर एस अग्रवाल थ्री राइटर का जो कंपटीशन वाला बुक चल रहा था उसका पहला चैप्टर समाप्त होने के बाद आज हम आपको दूसरा चैप्टर लेके आए हैं, एलसीएम और एचसीएफ का जो चैप्टर है, यानी एचसीएफ मतलब जो होता है महत्तम समापवर्तक और एलसीएम का मतलब जो होता है लघुत्तम समापवर्तक, उस चैप्टर को हम लेकर आए। सबसे पहले इस दोनों के बारे में आप लोग जानने से पहले आप जान लीजिएगा कि अगर संख्याएं जो चैप्टर जो है अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा ताकि आपका जो कैलकुलेशन काफी बढ़िया हो जाए। कि उस चैप्टर में हिसाब ज्यादा मतलब कंडीशन वाला नहीं, कोई शर्त वाला हिसाब नहीं, हार्ड हिसाब नहीं, बट आपको प्रोसेस क्या होगा गुना करने का, संख्या पहचानने का कि किस तरह की संख्या है, ठीक है। उसके बाद ये जो चैप्टर है आपको है आप बचपन से पढ़ते आए हैं लघुत्तम और महत्तम, वही चैप्टर इसमें है, सिर्फ थोड़ा सा विधिवत तरीका जो है इसमें से थोड़ा सा हाई लेवल किया गया, बाकी कुछ हिसाब में कोई अलग तरीका नहीं। आप जो है एचसीएफ पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, 7, 8, 9 में भी पढ़े होंगे, उसके बाद एलसीएम पढ़े होंगे, तो जो भी पढ़े हैं आप बचपन में वही चैप्टर है, सिर्फ और सिर्फ इसका बनाने का तरीका थोड़ा सा इनहेंस करना है कि आप और अधिक जल्दी से जल्दी बना पाए, ठीक है। तो आर एस अग्रवाल थ्री राइटर का बुक आप ले लीजिए और उसका जो है दूसरा चैप्टर एलसीएम एचसीएफ है उसको हम आज लेकर चलेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले कुछ फैक्ट को हम बताते हैं, उसको थोड़ा पहले ध्यान से समझिए। जैसे सबसे पहले कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मान लिया जाए हम 48 ली, ठीक है, तो 48 लिए हैं तो इसका जो है हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो जैसे मान लिया जाए इसको हम फैक्टर करें, ठीक है, 2 × 2 = 4, 4 × 8, 8 × 16 = 48, तो ये जो है इसका गुणनखंड, ठीक है। तो 48 को हम जो गुणनखंड किए तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 × 4 × 3 = 1, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर मान लिया जाए आपको दे दे कि दो संख्याओं का कोई भी जो है जो संख्या दे देगा और कहेगा उसका जो है आप एलसीएम निकालिए या एचसीएफ निकालिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो दोनों संख्या रहेगा, जैसे मान लिया जाए एक 48 था और एक संख्या 36 था, ठीक है, 2 × 4, उसके बाद 4 × 12 और 12 × 36, यानी 2 × 2 और 3 × 2, ये एक संख्या था 36 का और ये एक गुणनखंड किसका हो गया 48 का। अब इसे फैक्ट हम क्या बता रहे हैं आपको कि जब एलसीएम और एचसीएफ जब निकालिएगा तो इसमें समझना क्या है कि जो जब हम निकालेंगे एलसीएम या फिर एचसीएफ तो काम आपका क्या रहेगा कि जब एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों जो फैक्टर होकर जो गुणनखंड बनकर जो आया है उसमें से जो छोटा दो रहेगा जो भी रहेगा उस छोटा मिलने के बाद उसको हम लेंगे एचसीएफ में, ठीक है। जैसे इसमें भी 2 × 2 है, इसमें भी 2 × 4 है, तो 2 और 2 दोनों में मिल रहा, लेकिन छोटा कौन, तो छोटा 2 × 2 है तो 2 × 2 लेंगे। उसी प्रकार से 3 इसमें भी है लेकिन छोटा इसमें नहीं है बल्कि इसमें है तो हम लेंगे 3 × 1, यानी कि 2 × 4 = 12, यानी हमारा एचसीएफ क्या हो गया 12 हो गया, ये फैक्ट समझना। लेकिन एलसीएम में क्या है, मिलना चाहिए लेकिन बड़ा होना चाहिए, जैसे 2 × 4 इसमें 4 बड़ा होगा, 2 और 4 है, सेम 2 है तो आधार दोनों का सेम मिल रहा है तो बड़ा वाला लेंगे, ठीक है, बड़ा वाला पावर वाला लेंगे। उसी प्रकार से इसमें भी लेंगे बड़ा वाला, तो आपको ये जो है इसका गुणज कर दीजिएगा, ये हो जाएगा आपको 16, ठीक है, और ये हो जाएगा आपको 9, यानी 16 × 44 से ये 144 आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको समझना है कि एलसीएम और एचसीएफ जो है बनाने का ये मेन तकनीक हुआ, ठीक है। ये तो हम कुछ ऊपरी बात को बता दिए कि ये जो है सबसे आपको बेसिक चीज है, अगर आप ये नहीं जानते हैं तो समझिए आप जो है 7, 8, 9 में नहीं पढ़े होंगे तभी आप इस बात को नहीं जान रहे। उसके अलावा कुछ और फैक्ट को हम इसे बता देते हैं जिसको ध्यान में रखिएगा। एचसीएफ जो होता है हायर कॉमन फैक्टर होता है और एलसीएम जो होता है वो लोअर कॉमन फैक्टर होता है। अब जैसे देखिए, जैसे मान लिया जाए 8 और 16 का कहेगा आपको एलसीएम निकालें, तो एलसीएम निकालना है तो 8 और 16 का, तो आप जो है इस प्रकार से बचपन में पढ़े थे, ठीक है, 4, 5 में पढ़े होंगे आप लोग, तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा, 2 से लगाएं 2 × 4, 2 से लगाएं फिर 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, तो इस तरह से ये गुना कर देंगे, ये एलसीएम हो गया। यही चीज आपको यहाँ भी पढ़ना, बट जो है अगर आपको ऑप्शनल हिसाब रहेगा तो इतना आपको लिखने लाना है, आपको जो है डायरेक्ट ऑप्शन से ही बनाकर आंसर लगाना है, ठीक है, ये हम आपका बेसिक बताएं। इसी प्रकार जैसे अगर इसी का एचसीएफ रहता 8 और 16 का, तो 8 × 16 यानी हमारा एचसीएफ कितना हो गया 8 हो गया, यानी एचसीएफ का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर,
मतलब अधिक से अधिक हम कॉमन कितना ले सकते हैं, जैसे 8 है और 16 है, ठीक है, इसमें हम कॉमन लेंगे तो सबसे 8 इसमें भी गुना जाए 8 इसमें भी, यानी हम 8 यहां से निकाल सकते हैं। ये देखिए 8 यहां निकल गया, 8 एकम 1 8 और 2 के 16। जैसे कोई भी हिसाब में हम कॉमन निकालते हैं तो उसी तरह से यानी कितना अधिक से अधिक कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो गया आपको HCF यानी हायर कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये आपको बेसिक जानकारी होगी। आगे हम देखिए अब बुक से बताते हैं। अब आप लोग बुक का पहला हिसाब नंबर देखिएगा। देखिए पहला हिसाब में दिया हुआ है कि 391 बटा में दिया हुआ 667 यानी 667 का सरलतम रूप लिखें। देखिए सरलतम रूप की बात किया है। अब अगर आपको सरलतम रूप का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो हम थोड़ा सा पहले बेसिक जानकारी आपको देते हैं। जैसे मान लिया 6/9 अगर रहता तो इसको अगर सरलतम रूप निकालना रहेगा तो जो संख्या ऊपर से काटेंगे वही संख्या से नीचे में काटेंगे। जैसे 3 × 6 और 3 × 9 तो इसका सरलतम रूप कितना हुआ 2/3, तो ये हो गया इसका सरलतम रूप। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि 391 बटा 667 का सरलतम रूप क्या होगा, तो बस उसी प्रकार से काटना है जो आपको कटेगा। ऑप्शन आपका देखिए दिया हुआ 19/23, 15/19, 17/29 और दिया हुआ आपको 23/31। क्या करना है आपको एग्जाम में, आप कभी भी जो है इसको काट कुट के इस प्रकार से अपने मन से काटना शुरू मत कीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये सब जो है एक ऐसी संख्या है जो लगभग मतलब हार्ड लगता है। उसको क्या करना है आपको ऑप्शन पर देखना है। ठीक है, ऑप्शन को आप एक हिसाब बढ़िया से समझ लीजिए समय लेके, ताकि अगला जो हिसाब होगा उसको आप तुरंत उड़ा दीजिए चुटकी में। आप जो ऑप्शन को देखिए निश्चित रूप से ऑप्शन जो दिया होगा उसी के अनुसार आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर 3 को हम गलत करते हैं तो निश्चित रूप से सही होगा। 19 और 4 23, ये दोनों का डिफरेंस 4, ये दोनों का डिफरेंस देख लीजिए आपको जाएगा 17 और 10 27 28, यानी कि 12 का डिफरेंस। यहाँ देखिएगा 23 और 7 30, यानी 8 का डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर से हमको डिफरेंस निकला, यानी इससे हमको पता चलेगा कि जो ज्यादा डिफरेंस वाला होगा उससे हम पहले भाग देंगे। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, यानी कि जो ज्यादा डिफरेंस हमारा ये है, अब इससे हम क्या करेंगे इसको जो है पहले इसको काटेंगे। अगर ये कट जाएगा दोनों तरफ से, यानी 17 से ये कट जाएगा अंश वाला और 29 से हर वाला। ठीक है, तो भिन्न को जो है अगर अंश और हर को हम इससे काटेंगे और अगर कट गया तो निश्चित रूप से ये जो होगा हमारा क्या होगा सही होगा। अगर ये नहीं कटेगा तो फिर हम इसको लेंगे, अगर ये नहीं कटेगा तब भी दोनों में चेक करेंगे, लेकिन पहले हम ये, क्योंकि अगर हम ऊपर से चेक करके भी आ सकते हैं बट हमारा समय लॉस ज्यादा होगा। एग्जाम हॉल में आपको ये सब तकनीक को अपनाना होगा। आप जो है ये नहीं कि आप जो है आराम से इसको काटे पर लग जाइए, है ना। इसको देखिए अब 17 से इसमें भागा दीजिए तो 17 × 34 5 बचा 1 उतरा 17 × 51 23 बार में जो है ये कट रहा है 17 से। अब 29 से इसमें भागा दीजिए तो 29 × 58 ठीक है 58 यहाँ पर कटा और यहाँ पर देखिएगा 16 में से 8 गया तो 8 बचा और 29 × 87 यानी 23 बार में इससे भी और 23 बार में इससे भी यानी 17/29 जो है हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से दोनों जो है सेम अंक से कटता है यानी 17/29 क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसी तरह से जो है जो भी हिसाब आएगा उसको सरलतम रूप में जब भी कहे लिखने के लिए तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अगला हिसाब देखिएगा, दूसरा हिसाब में भी देखिए उसी प्रकार से करता है। 14/85 बटा में दिया हुआ 4356 सरलतम रूप लिखिए। 17/54 15/44 21/44 और डी में 31/64। अब बताइए ये सब हिसाब को हमको बताने की जरूरत है, आपको एक हिसाब हम इतना समझा के बता दिए हैं, आप इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले क्या कीजिएगा डिफरेंस निकाल लीजिएगा सब। डिफरेंस निकालने के बाद जो सबसे बड़ा होगा पहले उससे ट्राई कीजिएगा, अगर उससे नहीं सेम सेम दोनों में कटेगा तो अगला ऑप्शन को ट्राई कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है, आपको जो है इसमें कोई नया तकनीक नहीं है कि फिर से दोबारा इसी हिसाब पे हम समय दें। ठीक है, तीसरा हिसाब देखिएगा, तीसरा हिसाब में भी वही है 1 × 2 8 3 × 5 2 2 3 8 3 × 6 8 इसमें भी वही है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है 3/4, बी में दिया हुआ है 5/13, सी में दिया हुआ है 7/13 और डी में दिया हुआ है 9/13। यहाँ भी वही है, सबसे पहले आप ऑप्शन को देख लीजिए सबसे ज्यादा डिफरेंस किस में है, 4 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस
पांच का डिफरेंस और एक का डिफरेंस। सबसे पहले आप जो है यहाँ से ट्राई कीजिए, यहाँ से ट्राई करने के बाद आपको अगर ये सफल हो गया, अगर सही हुआ एक ही अंक से दोनों में कटेगा तब ठीक है वो आंसर हो जाएगा, अन्यथा इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, सेम टाइप कीजिए। चौथा नंबर देखिएगा, 36 तथा 84 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, 36 और 84 का निकालने का रहा है आपको एचसीएल, बिल्कुल आसान है। आपको सबसे पहले 36 का फैक्टर कर दीजिए और 84 का फैक्टर कर दीजिए। ठीक है, इसको आप जो है अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो पहले ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन दिया हुआ है आपका 4, बी में दिया हुआ है 6, सी में दिया हुआ है 12 और डी में दिया हुआ है 18। देखिए अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको एचसीएफ का तो ध्यान लगाना है कि सबसे ज्यादा कॉमन कौन होगा। तो सबसे पहले बड़ा हम देखेंगे कौन है, 18 बड़ा है, 18 से दोनों नहीं कटेगा। 18 या 36 कट रहा बट 18 से 84 नहीं कट रहा, 18 गलत हो जाएगा। 12 से देखिएगा, 12 या 36 बट 87 84, हमारा आंसर क्या हो गया 12 हो गया। इस तरह से हमारा आंसर तुरंत टिक लग गया, कितना आंसर हो गया 12। बट आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कि अगर आपको 36 दिया हुआ 84 दिया हुआ तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखिएगा क्या होगा, इससे क्या होगा कि आप अगर ऑप्शन से नहीं चेक कर पा रहे हैं तो आप इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 36 इन्हीं के 72, ठीक है कितना बचा 12, यहाँ 36 उधर 12 दिया 36, यानी कितना आंसर हो गया 12। अगर इस विधि से आप सफल नहीं हो पा रहे तो भी देखिएगा एक और विधि हम बता देते हैं। जैसे मान लिया 36 है और 84 है, ठीक है 36 को गुणनखंड कर दीजिए, 2 × 4 4 × 12 12 × 36, 84 का भी कर दीजिए उसी प्रकार से, दूसरे करेंगे तो 42 × 84, ठीक है उसी प्रकार से करेंगे आपको 2 × 4 तो 2 × 6 6 = 42, 42 × 84, 2 × 4 7 12 7 84, यहाँ पर भी हो गया 2 × 2 और यहाँ पर हो गया 3 × 2। अब देखिएगा ये जो बट गया इसमें जो है मिल कौन रहा, तो मिल रहा है 2 × 2 और 2 × 2, तो 2 × 2 होगी। इसमें 3 मिल रहा, लेकिन छोटा कौन है 3 है, बताए थे मिलना चाहिए छोटा, तो यहाँ पर 3 छोटा है, 2 × 4 = 12, तो हमारा आंसर कितना हो गया 12 हो गया। लेकिन ये सब विधि आपको हम बता दिए, लेकिन एग्जाम में आपको ऑप्शन वाला विधि सबसे आसान पड़ेगा और जल्दी भी टिक होगा। अगर आपको फास्ट बना रहे हैं या फिर आप जो है पहली बार लेकिन अगर मैथ आप पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से इस तरह से भी आप मैथ को बनाइएगा। ठीक है, अगला हिसाब देखिए, पांचवा हिसाब में देखिएगा दिया हुआ है आपका 204, 1190 और 1445, ठीक है का एचसीएफ ज्ञात करना। ये 3 का देने दिया हुआ एचसीएफ निकालना। अब देखिएगा ऑप्शन दिया हुआ है आपका 17, बी में 18, सी में 19 और डी में 21। आप देखिएगा सबसे बड़ा जो है, जो भी बड़ा है सबसे पहले उससे आप चेक कर लीजिए कौन कटता है कि नहीं। जैसे 21 से जो है 204 कटता की है कि नहीं, ये देख लीजिए 21 से कटता है कि नहीं, 21 से 1445 कटता है कि नहीं। अगर 21 से कट जाता है तो 21 आंसर हो गया, 19 से कटता है तो 19 आंसर हो गया, लेकिन तीनों, ठीक है अगर 3 वाला है तो ज्यादा समय अगर आपको चेक करने में लगता है तो आप जो इसको क्या कीजिए गुणनखंड विधि बना दीजिए। गुणनखंड विधि नहीं बन रहा है तो आप जो भाग विधि बना दीजिए, यानी जिस विधि से आपको पसंद होता है आप उस विधि से बना दीजिए। जैसे मान लीजिए देखिए 204 को हम फैक्टर करेंगे, 204 को हम अगर फैक्टर करेंगे तो आपको जाएगा कि 2 × 4, ठीक है 2 × 4 4 × 7 = 28। उसके बाद जो है आपको देखिएगा इसको फैक्टर करेंगे, 2 से लगाएंगे 102, उसी प्रकार से लगाएंगे आपको मान लिया जाए 7 से लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे, फिर लगाएंगे 2 × 5 = 10 और इसको लगाएंगे आपको 3 से लगाएंगे 70 × 51। इस तरह से 204 का ये जो है फैक्टर हो जाएगा और जो भी फैक्टर आने के बाद आएगा उसको आप पावर में लिख लीजिए। जैसे इसको लिखेंगे हम 204 को, इसको लिखेंगे आप 2 × 2, 3 × 1 और 17 × 1। उसी प्रकार से 1190 है, इसको भी आप फैक्टर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको फैक्टर इसलिए करने के लिए हम डायरेक्ट बता रहे हैं ताकि ये जो है हम अगर डायरेक्ट लिख देंगे इस प्रकार से तो आपको समझ में आसानी नहीं आएगा, समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, क्योंकि हम जो है अगर डायरेक्ट अभी जैसे इसको लिख देंगे 204 का, 2 × 4 = 12 × 17, तो आपको लगेगा कि किस प्रकार से ये आया, तो यहाँ पर जो है हम डायरेक्ट जो है नहीं बना के आपको हम तोड़ के बता रहे। जैसे इसको हम लिखेंगे 2 से पहले लगाएंगे तो 5 × 10 1 = 9 उतरा, ठीक है 2 × 9 = 18 2 × 5 = 10। तो इस तरह से जो है आपको 2 से यहाँ लग गया, अब 5 से लगाएंगे, ठीक है 5 से लगाएंगे तो देखिएगा 5 = 5
और 5 एकम 5 यहाँ पर बचा आपको 5 9 के 45 और 7 से लगाएंगे 17 17 19 7 से, तो इस तरह से इसका भी गुणनखंड हो गया। इससे पता चल रहा होगा कि 17 17 का फैक्टर मिल रहा है, उसमें भी गुणनखंड करेंगे तो निश्चित रूप से 17 आएगा। ऑप्शन हमारा 17 दिख रहा है इसमें, तो निश्चित रूप से 17 ही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें जो है आप देख सकते हैं इसमें 18 का गुणज नहीं पूर रहा, 19 का गुणज नहीं पूर रहा, 21 का पूर रहा, बट इसमें 21 का नहीं पूर रहा। इसलिए जो है आप जल्दी से जल्दी दिमाग लगा के मार सकते हैं कि आपका जो आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा आपको 17। ठीक है, आगे देखिएगा छठा हिसाब। छठा हिसाब में दिया हुआ है 29, 23 और 3229 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। 2923 और 3239 का एचसीएफ, ये भी देखिए उसी प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ है 37 47 73 और 79। इसमें भी आपको क्या करना है, दोनों में जो मिल रहा है उसी से आपको देख लेना है। ठीक है, ये सब सेम टाइप का है, 6 नंबर और 7 नंबर में भी उसी प्रकार से 7 नंबर में भी वही टाइप का है। 7 को भी आप देख लीजिए, 8 नंबर तक वही टाइप का है। जो जो सेम टाइप का है उसको हम नहीं बता रहे हैं, अलग टाइप का रहेगा उसको हम बताएंगे। जैसे 9 नंबर का देखिए, 9 नंबर में देखिए कहता है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सी संख्या सहअभाज्य संख्या, ये बिल्कुल ऑप्शन पर ही बनेगा। 21 35, बी में देखिएगा 16 62, सी में देखिएगा 23 92 और डी में देखिएगा 18 25। अब देखिएगा इसमें क्या है, सहअभाज्य संख्या पूछ रहा, सहअभाज्य संख्या जिसका मासा यानी जिसका एचसीएफ 1 होगा उसी को कहेंगे सहअभाज्य संख्या। इसमें देखिएगा इसका, इसको जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो इसका 1 नहीं आएगा, क्योंकि 7 से देखिए ये भी कट रहा है, 7 21 और 7 25 35, इसमें 7 आ जा रहा है, यानी ये गलत हो गया ऑप्शन हमारा। इसमें देखिए 16 62 है, निश्चित रूप से 2 2 से दोनों कट रहा है, तो इसमें भी आंसर गलत हो गया। 23 चक 92 4 आ रहा है, ये भी गलत हो गया, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, 18 और 25 सह अभाज्य संख्याएं है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान तरीका है, जब भी कहेगा सह अभाज्य संख्या तो उसका मासा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला हिसाब देखिएगा 10 नंबर, ये देखिए 7 बटे 9 14 बटे 15 और 7 बटे 10 का एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है, एचसीएफ। अब देखिए इस प्रकार से पूर्णांक, ये जो भिन्न वाला एचसीएफ है उसको निकालने के लिए देख लीजिएगा किस तरह से आपको कह रहा है। कहता है 7 बटे 9 14 बटे 15 और 7 बटे 10 का एचसीएफ निकालें। आपको इसमें ध्यान रखना है एक ही चीज, अगर अंश बटे हर में रहे, अंश बटे हर में यानी भिन्न रहे अंश बटे हर में, तो आपको करना कुछ नहीं, जो कहे ऊपर वाला, ये ट्रिक आपको याद रखना। क्या रखना है, जो निकालने कहेगा ऊपर वाला, जो कहेगा ऊपर वाला, यहाँ क्या कह रहा है एचसीएफ कह रहा है, तो ऊपर वाला का एचसीएफ नीचे वाला का एलसीएम याद रह जाएगा, ऊपर वाला का एचसीएफ नीचे वाला का एलसीएम, यानी कि 7 14 7 का हम निकाल लेंगे एचसीएफ और 9 15 और 10 का निकाल लेंगे हम एलसीएम। ठीक है, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा 7 14 7 का एलसीएम एचसीएफ कितना होगा, 7 होगा, 7 सब में कॉमन है, एचसीएफ 7 होगा। एलसीएम निकालेंगे 9 15 और 10, 9 15 10 का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम यानी लघुत्तम निकालेंगे, तो इसका देखिए 3 दिया के 9 3 5 15 और यहाँ पर देखिए 5 2 के 10 मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिलना चाहिए, वो भी एलसीएम में ही था हम बताए थे, तो सबसे बड़ा यहाँ इसमें 3 पर पावर 2 ले लेंगे, इसमें 5 ले लेंगे और इसमें 2 ले लेंगे, तो हो जाएगा आपको 9 5 45 45 2 के 90, यानी हमारा आंसर कितना हो गया, 90 हो गया, यानी 7 बटे 90 जो है आंसर हो गया। ऑप्शन भी देख लीजिए 7 बटे 90 ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन ए में दिया हुआ 7 बटे 90, यानी जब भी आपको ध्यान रखना है कि भिन्न में दिया हुआ है, यानी अंश बटे हर में दिया हुआ है और एलसीएम और एचसीएफ निकालना कहे, तो यानी एचसीएफ अगर कहेगा, क्या कहेगा एचसीएफ, तो जो कहेगा ऊपर वाला, एचसीएफ कहा तो ऊपर वाला का एचसीएफ नीचे वाला का एलसीएम, एलसीएम कहा तो ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का एचसीएफ। ठीक है, चलिए 11 नंबर हिसाब में आते हैं। 11 नंबर में कहता है 9 बटे 10 12 बटे 25 18 बटे 35 21 बटे 40 का एचसीएफ निकाले। फिर देखिए एचसीएफ कर रहा है,
जब HCF का रहा है तो आपको अभी वही रूल बताएं, जो कहेगा ऊपर वाला यानी कि 9, 12, 18 और 21 का हम HCF निकालेंगे। सबसे छोटा इसमें कौन फैक्टर है तो आप कहिएगा 3 है, 3 सब में गुना हुआ है। ठीक है, अब देखिए कहिएगा LCM है तो नीचे वाला का LCM निकालेंगे, तो LCM निकालेंगे तो सबका गुणनखंड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, ये हो जाएगा 8 × 5 = 40, यानी 2 पर पावर यहाँ कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ हो गया 5 × 5 = 25, यानी 5 पर पावर 2 हो गया, और यहाँ 5 × 2 = 10, यहाँ से 5 मिलेंगे तो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, सबसे बड़ा कौन है 5 पर पावर 2, यहाँ पर 2 है, किसी जगह 2 नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 पर पावर 3 बड़ा है, 2 पर पावर 3 ले, 7 यहाँ है, 7 ले लें, यानी इसका देखिए 25 × 8 × 7 ये हमारा जो है क्या हो गया LCM हो गया, यानी 25 × 80 = 200 और 200 × 7 = 1400, यानी 3/1400 हमारा जो आंसर आएगा वो 3/14 बी में ऑप्शन में है, यानी महत्तम हमारा 3/14, यानी HCF कितना हो गया 3/14। ठीक है, तो बिल्कुल आसान तरीका है, आपको यही फॉर्मूला आपको परीक्षा हॉल में भी आपको चेक करना कि आपको कहेगा अगर जो भी कह रहे अगर आंसर हर में दिया हुआ है तो जो कहेगा ऊपर वाला। ठीक है, आप अगर नए नए इससे जो है अभी तैयारी कर रहे हैं तो एकदम बिल्कुल आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि ये जो है आपको आराम से बता रहे विस्तार रूप से। ठीक है, देखिए 12 नंबर 1.75, 5.6 तथा 7 दिया हुआ है। ठीक है, फिर कह रहा है आपको HCF क्या है, महत्तम क्या होगा, देखिए उसका भी वही नियम सेम नियम है, 175 को हम लिख सकते हैं 175/100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक इसको इस प्रकार से लिख दिए, इसको भी लिख सकते हैं 56/10 और इसको भी लिख सकते हैं 7/1। अब देखिए HCF कह रहा था जो कहेगा ऊपर वाला, 7 से देखिए सब में कट रहा है। ठीक है, तो हमारा HCF कितना होगा 7 होगा, LCM निकालना है नीचे वाला का, LCM हमारा कितना होगा 100 होगा। अब देखिएगा अगर 7/100 ऑप्शन में दिया हुआ है तब ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो इस प्रकार से जरूर ऑप्शन में दिया होगा। अब ऑप्शन हम देख लेते हैं 12 का, ऑप्शन ए 0.07। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया 0.07। कभी भी आपको ये जो है विधि आपको नहीं भूलना है, क्योंकि इस विधि में आपको जो है कभी गड़बड़ नहीं होगा, जो कहेगा ऊपर वाला। ठीक है, 13 नंबर देखिएगा, सेम पैटर्न है, इसको भी बताने की जरूरत नहीं, इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा, सेम है। ठीक है, इसको आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, 108/100 कर लीजिएगा, 36/100 कर लीजिएगा, 9/10 कर लीजिएगा, इसको खुद से कर लीजिएगा, इसको हम बताने की जरूरत नहीं। ऊपर वाला को HCF क्या कर निकालो, HCF ही कर जो कहेगा ऊपर वाला, इसका HCF निकाल लीजिएगा, नीचे वाला का LCM निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला हिसाब में देखिएगा 14 नंबर में देखिएगा, कहता है 0.54, 1.8 और 7.2 HCF पर, ये भी आसान है आपको, ये भी 54/100 हो गया, 18/10 हो गया और 72/10 हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, HCF पर 54, 18, 72 का HCF निकाल दीजिए और उसके बाद LCM निकाल दीजिए, ये तो देखने के साथ ही आंसर पता चल रहा होगा। ठीक है, HCF और LCM, ठीक है, बिल्कुल आसान है, इसको भी कर लीजिएगा। चलिए 15 नंबर हिसाब देखिए, 15 नंबर हिसाब में देखिएगा दिया हुआ आपको 2 पर पावर 3 × 3 पर पावर 2 × 5 पर पावर 3 × 7 पर पावर 2, दूसरा में दिया हुआ है 2 पर पावर 2 × 3 × 5 पर पावर 2 × 7, उसके बाद दिया 3 पर पावर 4 × 5 पर पावर 4 × 2। अब देखिए कह रहा है इसका महत्तम क्या होगा, देखिए महत्तम पूछ रहा है, HCF पूछ रहा है, हम बताए थे HCF का नियम, सबसे पहले हम इसीलिए आपको बता दिए HCF का नियम और LCM का नियम, कि जो मिलेगा मिलना चाहिए सब में और उसके बाद होना चाहिए छोटा। ठीक है, तो मिल रहा है इसमें 2, इसमें 2, इसमें इसमें 2 नहीं मिल रहा, हाँ देखिए 2, अब छोटा कौन है, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर कुछ नहीं तो 1, यानी छोटा ये 2 है। ठीक है, अब बात करते हैं 3 पर, यहां भी 3, यहां भी 3, यहां पर तो यहां 3 छोटा है। अब बात करते हैं यहां पर 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, छोटा कौन है 5 पर पावर 2, तो ये हमारा आंसर हो गया 2 × 3 × 5 पर पावर 2, 2 × 3 × 5 पर पावर 2, 15 का ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आज हम पहला वीडियो में 15 हिसाब
बनाए हैं यानी बताए आप लोग को, ये 15 हिसाब कर करके आपको जो है हर पार्ट में आपको 15 15 का हिसाब का जो है टॉपिक रहेगा, आपको जहां तक इसमें रहेगा चैप्टर में जो भी रहेगा 15 15 पार्ट हिसाब का पार्ट रहेगा। ठीक है, इस वीडियो में आज बस इतना ही हमारे तरफ से, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, इसका अगला पार्ट लेकर 16 नंबर से हम आएंगे। अपने ये जो वीडियो है इसको आप लोग पॉज करके जब भी हिसाब जरूरत पड़े आप उतार लीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर किताब ना हो तो, अगर किताब हो तो प्रैक्टिस कीजिए, और जो हिसाब समझ में नहीं आता उसको फिर से देख लीजिए। हाँ, अगर जहाँ भी कहीं तकलीफ होती है हिसाब में, अगर प्रॉब्लम होती है समझने में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर हिसाब नंबर के साथ साथ लिख दीजिए कि सर ये हिसाब जो है हमें समझ में नहीं आया, या फिर इस हिसाब को आप इस तरीके से बताएं तो हमें समझने में कठिनाई हुई। ठीक है, तो हम उसको अगले वीडियो में हम खुद से और बेहतर प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम जो है इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। आज के लिए बस हम कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।